खबर पौड़ी से। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किया गया भव्य रैतिक परेड का आयोजन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज 9 नवंबर 2022 को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन भराड़ीसैंण जनपद चमोली में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस व आईटीबीपी की रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण कर परेड का निरीक्षण किया गया और भव्य रैतिक परेड की सराहना की गई। रैतिक परेड की फर्स्ट कमांडर पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन सुश्री नताशा सिंह रही। विभिन्न स्कूल कॉलेज व संस्थानों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चारधाम यात्रा हेमकुंड साहिब यात्रा में पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से यात्रा के सफल संचालन में अपना 100% योगदान देने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खानडूडी, पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव स्वरूपी, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेंद्र डोबाल, पुलिस उपाधीक्षक चमोली प्रमोद कुमार शाह, पुलिस उपाधीक्षक कर्ण प्रयाग, श्री अमित कुमार सैनी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पहली टोली नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अमित आईटीबीपी जोशीमठ। द्वितीय टोली है आईटीबीपी गोचर की नेतृत्व दे रहे हैं अनुभवी ऑफिसर सागर सिंह। तृतीय टोली है आईएलबी प्रथम नेतृत्व दे रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रेम राम आर्य। महिला सशक्तिकरण मीता गोसाई के नेतृत्व में तृतीय टोली है उत्तराखंड महिला पुलिस का दस्ता। चतुर्थ टोली उत्तराखंड सशस्त्र पुलिस नेतृत्व दे रहे हैं विजय प्रकाश। अंतिम टोली है उत्तराखंड नागरिक पुलिस की नेतृत्व दे रहे हैं विजय पवार। खाकी के प्रत्येक जवान के जोश और जज्बे को सलाम है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।